तो दोस्तों ये रहा वीवो Y20 मोबाइल। दोस्तों इस पे मैंने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लगा दिया। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जैसे ही फिंगर डिस्प्ले पे रखा वैसे ही हमारा मोबाइल अनलॉक हो चुका है। सो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों ये रहा हमारे हाथ में वीवो Y20 मोबाइल। तो दोस्तों आपको अभी लाइव प्रूफ मैं यहाँ पे डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा के दिखाऊंगा। दोस्तों अगर आपके पास है वीवो Y20, 20A या 20i मोबाइल तो दोस्तों आप ये वीडियो देख सकते हो, ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा देखना है, पूरा देखने के बाद तभी आप अपने मोबाइल में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो दोस्तों डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना सेटिंग ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में क्लियर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन लॉक पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो दोस्तों आपने स्क्रीन लॉक पासवर्ड बना कर रखा है वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नोन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यस रिमूव पे क्लिक कर देना है। जैसे कि यस रिमूव पे आप क्लिक कर दोगे तो दोस्तों आपके मोबाइल में A to Z कोई भी लॉक रहेगा, सारा का सारा लॉक यहाँ से हट जाएगा। दोस्तों सिंपल सी बात है, आपके मोबाइल में कोई भी लॉक नहीं होना चाहिए, तभी आप डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो। तो इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखना है वीवो थीम। जैसे दोस्तों वीवो थीम लिखोगे तो दोस्तों ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस एप्लीकेशन को आपको ओपन कर देना है। जैसे दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ कोने में यहाँ पे 3 लाइन्स देखने को मिलेगा। इस 3 लाइन्स पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फंटच OS का ऑप्शन। दोस्तों फंटच OS के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारी थीम देखने को मिलेंगी। इसमें से दोस्तों आपको छठे नंबर वाली थीम को डाउनलोड कर लेना है। छठे नंबर वाली ये थीम है, इस थीम को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों इस थीम पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन। तो दोस्तों इस डाउनलोड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये थीम आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेट थोड़ा स्लो है तो डाउनलोड होने में टाइम जाएगा, तो थोड़ा यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे ही आपका थीम डाउनलोड हो जाएगा तो एक यहाँ पे ऐड आएगा। ऐड को यहाँ से आपको कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पे स्किप पे क्लिक करना है। स्किप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा चेंज थीम का ऑप्शन। दोस्तों इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे राइट साइड में नीचे की तरफ मी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लोकल थीम्स का। दोस्तों लोकल थीम्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने जो यहाँ पे थीम डाउनलोड किया था अभी अभी वही थीम यहाँ पे आ चुकी है। दोस्तों इस थीम को आपको अपने मोबाइल में अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, इस थीम पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा। अप्लाई के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये थीम आपके मोबाइल में अप्लाई हो जाएगा। अब दोस्तों सक्सेसफुली आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है। अब दोस्तों यहाँ से हम स्क्रीन को इस तरह से ऑफ करते हैं। ऑफ करने के बाद यहाँ पे ऑन करते हैं। दोस्तों आपके यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिख रहा है। जैसे दोस्तों इस पर मैंने यहाँ पर अपना फिंगर रखा तो दोस्तों हमारा मोबाइल अनलॉक हो चुका है। यहाँ से आप देख सकते हो लाइव प्रूफ। दोस्तों मैंने फिर से यहाँ पे ऑफ किया। ऑफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमको देखने को मिला फिंगरप्रिंट सेंसर। इस पर मैंने अपना फिंगर रखा। जैसे ही फिंगर रखा दोस्तों हमारा मोबाइल अनलॉक हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप वीवो Y20, 20A, 20i मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको सही जानकारी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियो रोजाना लाता